हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। लॉकडाउन में नियमों का पालन न कर दुकानदार देर तक अपने प्रतिष्ठान खोल रहे हैं। रविवार की शाम तहसीलदार ने बाजार में निकलकर करीब ऐसे एक दर्जन दुकानदारों के 500-500 रुपए के चालान काटे। साथ ही हिदायत दी कि अगर फिर से प्रतिबंधित समय में दुकानें खोली पाई गई तो 2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कार्रवाई से अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया है और देखते ही देखते शटर गिराना शुरू हो गया है। लॉकडाउन में 4 की दुकानें खुलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे का है, लेकिन दुकानदार इस समय के बाद भी देर तक दुकानें खोले रहते हैं, जिससे खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। इन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने रविवार की देर शाम 8 बजे के करीब तहसीलदार कुलदीप दुबे, नायब तहसीलदार कमल सिंह कोहली राजस्व अमले के साथ बाजार में पहुंचे। उन्होंने 7 बजे के बाद एक दर्जन दुकानें खुली हुई पाई, जिस पर इन दुकानदारों पर प्रति दुकानदार 500 रुपए का चालान काटने की कार्रवाई भी की गई। ₹500 करवाएंगे।